माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी स्वीट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर वेल एंड सेफ एट योर होम। जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं, जी हाँ, 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स से चैप्टर लिया है हमने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का और टॉपिक लिया है हमने MRMC अप्रोच। ये इसकी एक अप्रोच है जो आपको समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में यही एक क्वेश्चन है जो 6 मार्क्स का आ सकता है। क्या होता है, हाउ अ प्रोड्यूसर स्ट्राइक हिज इक्विलिब्रियम, एक प्रोड्यूसर अपना इक्विलिब्रियम कैसे स्ट्राइक कर पाता है, या फिर हम ये जानना चाहते हैं कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस कौन सी हैं अंडर MRMC अप्रोच। तो मेरे बच्चे, आपको मैंने पहले वीडियो में बता दिया था कि अंडर MRMC अप्रोच में हमारे पास प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की 2 कंडीशन हैं। पहली कंडीशन MRMC के इक्वल होना चाहिए और दूसरी कंडीशन MC राइजिंग पोजीशन में होना चाहिए। कहाँ? जब वो नीचे से MR को काटे उसके बाद वो राइजिंग पोजीशन में होना चाहिए। देखिए कुछ इस तरह से, जैसे अब MC राइजिंग पोजीशन में कैसे होगा, ये अगर MR की लाइन जा रही है, ठीक है, MC अगर नीचे से काटता है, ये देखो ऊपर MC जा रहा है, MC MR को नीचे से काटे और फिर उसके बाद राइजिंग पोजीशन में हो, तो इस तरह से जो है वो दोनों शर्तें पूरी हो रही हो, जहां पर वहां हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता है, अर्थात हमारे प्रॉफिट मैक्सिमम होते हैं, अर्थात TR-TC जो प्रॉफिट हमारा है वो मैक्सिमाइज होता है। चलिए एक स्केड्यूल से हम समझने की कोशिश करते हैं कहां पर हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा जहां ये 2 शर्तें पूरी होंगी। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन मैंने यहां नहीं लिखी है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन मैंने लास्ट वीडियो में बता दी थी आपको, ठीक है। अब जो स्केड्यूल हमने लिया है वो है हमारे पास MRMC एंड द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम स्केड्यूल। अब मैंने यहाँ पर आउटपुट ली है, यानी कि क्वांटिटी ली है, क्वांटिटी मैंने 11 रख ली है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यहाँ मुझे ज़्यादा क्वांटिटी लेनी पड़ी ताकि मैं इसको डेप्थ में आपको समझा सकूँगा। यहाँ पे मार्जिनल, क्योंकि ये अक्सर ये जो अप्रोच है MRMC अप्रोच, ये अंडर परफेक्ट कंपटीशन होती है, जहाँ पर AR MR क्या होते हैं बराबर। आपको तो परफेक्ट कंपटीशन का मालूम ही है कि वहाँ MRMC के MR AR के बराबर होता है। तो यहाँ एक वस्तु की कॉस्ट जो है, एक रिशन वस्तु की कॉस्ट जो है 12 रुपये रखी गई है, तो यहाँ सभी की कॉस्ट, जितनी ये आइटम्स हैं उन सभी की कॉस्ट कितनी है, एक रिशन वस्तु के रूप में वो 12 ही है, MR है। 12, 12, 12, इस तरह पूरी 11 की 11 जितनी गुड्स हमने ली है, क्वालिटी प्रोडक्शन दिया है, उन सब में कॉस्ट कितनी है 12। आप तो जानते हैं कि अगर इनिशियल पहली क्वालिटी को अगर हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसमें हमारी मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, ज़्यादा इकाइयाँ प्रोड्यूस करते जाएंगे घटेगी। जैसे पहले पे 15, दूसरे पे 12, फिर ये 10, फिर ये 9, फिर ये 8, फिर ये 7, ये घट रही है। जो जो हम ज़्यादा इकाइयाँ उपयोग करना शुरू करते हैं तो उसमें जो है हमारी MC मार्जिनल कॉस्ट जो है वो घटती है, क्योंकि उस पर फिक्स कॉस्ट का इम्पैक्ट घटता चला जाता है। लेकिन एक लेवल के बाद ये कॉस्ट फिर दोबारा चढ़नी शुरू हो जाती है, यहाँ तक गिरने के बाद अभी दोबारा राइज हो रही है, 8, 9, 10, 12 और 15। मतलब कॉस्ट का कुछ ऐसा हिसाब है कि शुरू में प्रोडक्शन कम होता है तो कॉस्ट ज़्यादा होती है, जैसे जैसे प्रोडक्शन की इकाइयों को बढ़ाया जाता है कॉस्ट कुछ कम होनी शुरू हो जाती है, यहाँ अगर कम हुई है इसके बाद फिर से दोबारा ये राइज होना शुरू कर चुकी है, ठीक है। अब मेरे बच्चों, यहाँ मैंने कहा था जहाँ पर आपकी ये 2 शर्तें पूरी हो जाएंगी वहाँ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा। MR मेरे पास 12 है, MC बराबर हो गया है सेकेंड लेवल ऑफ आउटपुट पर, ये सेकेंड लेवल ऑफ आउटपुट है, याद रखिएगा, मैं स्टार लगा देता हूँ इसके आगे। यहाँ पर MR 12 है, MC भी 12 है, पहली शर्त पूरी होती है, MR MC बराबर है, दूसरी शर्त MC इज राइजिंग, अर्थात MC नीचे से और राइजिंग हो इसके बाद, लेकिन MC देखिएगा यहाँ पर MC 12 है, उसके बाद राइजिंग नहीं हो रही है, MC घट के कितनी हो गई है 10। हाँ, इसी कंडीशन पर जहाँ ये MR MC बराबर होंगे उसके जस्ट बाद MC राइजिंग होनी चाहिए, लेकिन राइजिंग की बजाय क्या हो रही है, ये तो लो हो रही है, राइजिंग नहीं हो रही है तो फॉल हो रही है, तो ये कंडीशन इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ MR MC के बराबर तो है लेकिन MC इज नॉट राइजिंग आफ्टर, ठीक है, अगले स्टेप पे जो है वो नहीं राइज हो रही है, तो ये कंडीशन पूरी नहीं होती। पहली कंडीशन पूरी होगी लेकिन दूसरी कंडीशन यहाँ पूरी नहीं होती, तो यहाँ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम नहीं होगा, नो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, यहाँ हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है ही नहीं। आगे चलते हैं, फिर आगे जाके 10th आउटपुट पर ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की स्टेज नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे एक शर्त पूरी थी, MR MC के बराबर था परंतु MC राइजिंग नहीं थी, ठीक है। यहाँ देखिएगा MR MC के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे MR भी कितना है 12, MC भी कितनी आई है 12, यहाँ MC MR के बराबर है, जी बिल्कुल है, उसके जस्ट बाद MC राइजिंग होती है, जी हाँ होती है, MC इज
राइजिंग, क्योंकि 12 के बाद ये कितनी होगी है 15, एमसी इज राइजिंग, यहाँ दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं, तो ये वो पॉइंट होगा जहाँ हमारा प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, बाकी किसी भी पॉइंट पे इवेल्युएट कर लेना वहाँ प्रॉफिट मैक्सिमम नहीं होगा। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ अगले स्टेप्स में। यहाँ हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है, कौन से आउटपुट लेवल पे है, 10th लेवल और आउटपुट पर हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ यहाँ हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं सेकंड लेवल पे क्या हुआ था, यहाँ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्यों नहीं था। जब हमारा आउटपुट सेकंड लेवल का था तो आप तो जानते हैं कि टोटल रिवेन्यू कैसे बनता है, टोटल रिवेन्यू बनता है मार्जिनल रिवेन्यू का सुमेशन करने से, ठीक है। टोटल रिवेन्यू क्या आएगा, एक इकाई को बेचकर हमें प्राप्त हुए 12, दूसरी इकाई को बेचेंगे फिर 12 प्राप्त हो गए, टोटल मिला के यहाँ तक टोटल रिवेन्यू कितना है, एक इकाई बेची थी 12, दूसरी पिछली इकाई बेची फिर 12, 12 और 12 कितने हुए, सुमेशन एम आर करो तब भी कितने हो जाएंगे, दो इकाई बेचने पर कितने होते हैं 24, 12 और 12 24, दो इकाइयों की कॉस्ट कितनी पड़ती है। पहले यहाँ पर आपको मैं बता दूँ शायद ये हमारा हुआ या नहीं हुआ पोस्ट चैप्टर में, कि जो फर्स्ट स्टेज की होती है, फर्स्ट स्टेज की एमसी और फर्स्ट स्टेज की टीवीसी, ये हमेशा एक बराबर होती है, फर्स्ट स्टेज की एमसी और फर्स्ट स्टेज की टीवीसी बराबर होती है, लेकिन अगर एमसी का सॉल्यूशन कर दो तो टीवीसी आनी शुरू हो जाती है। जी हाँ, एमसी क्योंकि एक वेरिएबल कॉस्ट है, तो वेरिएबल कॉस्टों को अगर हम ऐड करना शुरू करेंगे तो टीवीसी आनी शुरू हो जाएगी। अब मुझे सेकंड लेवल पे निकालनी है कितनी है टीवीसी, तो एक और एक दो, दो एमसी को जोड़ूंगा तो दोनों वेरिएबल कॉस्ट जुड़ के टीवीसी, दो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएंगे कितनी है 27। अब मुझे टोटल रिवेन्यू तो आ रहा है 24, टोटल कॉस्ट आ रही है 24, टोटल रिवेन्यू 27, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 24 में 27 घटाऊंगा तो माइनस के 3, अर्थात लॉस की अवस्था आ रही है। तो मेरे इस सेकंड लेवल पे तो मैं लॉस में था, तो मैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कैसे हो सकता हूँ, तो इस लेवल पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की है ही नहीं, इसे संपूर्ण घाटा कर सकते हैं। 10th लेवल पे क्या हुआ, 10th लेवल पे 10 मार्जिनल रिवेन्यू मेरे पास आ गए, 10 मार्जिनल रिवेन्यू कौन से आ गए, अगर 10 तक देखो तो 12 12 10 बार आया है, तो ऐड करके कितना आ गया टोटल रिवेन्यू मेरे पास आ गया 120। अब टोटल कॉस्ट कितनी आई है, अब एमसी को जोड़ते जो वेरिएबल कॉस्ट है टीवीसी प्राप्त हो जाएगी 10 यूनिट पर, यहां तक ऐड होने में 15 12 10 9 8 7 8 9 10 12 इन सबको ऐड करने के बाद मेरे पास आया है टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना 100 120 में से अगर मैं 100 घटा दूं तो मुझे 20 का प्रॉफिट है, तो यहाँ ये प्रॉफिट है, ये मेरा मैक्सिमम है। किसी और पॉइंट पे आप प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे उससे पहले यहाँ दोनों कंडीशन फुलफिल भी होती है और यहाँ आपका प्रॉफिट मैक्सिमम भी है, तो ये वो पॉइंट है जहाँ मेरा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में है, वो मैक्सिमम लाभ भी अर्जित कर रहा है और साथ में एमसी एमआर अप्रोच की दोनों शर्तों को पूरा भी कर रहा है। क्या कर रहा है, एमआर एमसी के बराबर है, यहाँ पर एमसी इसकी जस्ट बात राइजिंग है और यहाँ प्रॉफिट मैक्सिमम है। तो ये जो 10th लेवल का आउटपुट है, यहाँ पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, प्रोड्यूसर ना तो इससे कम वस्तुओं को प्रोड्यूस करके लाभ की स्थिति में होगा, ना इससे आगे जाकर के वो लाभ की स्थिति में होगा, चाहे तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं यही प्रॉफिट मैक्सिमम आएगा और वो इक्विलिब्रियम की स्टेज पर होगा, यही थी बेटा एम आर एम सी अप्रोच। अब अगर हम बनाना चाहें तो हम इसका डायग्राम भी बना सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ आपके सामने इसका डायग्राम बनाने की, ये इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपने करना ही है। OS एक्सिस, OY एक्सिस, OS एक्सिस पर मैं ले रहा हूं आपके लिए, क्या ले रहा हूं मैं आपके लिए क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और मैंने जो क्वांटिटी ली थी वो 11 ली थी लगभग, तो यहां पर मेरे पास आउटपुट क्या क्वांटिटी आई है, यहाँ पर मुझे जो है वो आपको दिखाना है एमसी, एमसी एमसी मेरे पास जो था, ठीक है, एमआर मेरे पास यहाँ दो दो कर लेता हूँ, 2 4 6 8 10 12 थोड़ा सा ऊपर चलेगा, ठीक है, यहाँ पर एमआर एमसी दोनों ले लिए मैंने, ठीक है। पहले अगर मैं एक वस्तु पे शो करूं तो मेरे पास एक पे कितना था, एक पे मेरे पास था मार्जिनल रिवेन्यू 12, दो पे 12, तीन पे 12, 11 पे 12, 10 पे 12, इस तरह से मेरे पास जो है एक समान लेवल पर ये जो पूरा एमआर आया है ये मेरा 12 ही है, हर लेवल पे 12 था, पहले पे 12, दूसरे पे 12, तीसरे पे 12, चौथे पे 12, पांचवे पे 12, इस तरह टोटल एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है ओएस के पैरेलल, ये मेरी एमआर लाइन। अब बात होती है सर एमसी की,
पहले लेवल पर एमसी कितनी है? पहले लेवल पर एमसी थी मेरी 15, तो 14 और ये थोड़ा सा और ऊपर ले जाना चाहूँगा 16 वाले, ठीक है। अब वो थी 15, पहले लेवल पे हमारी कॉस्ट थी 15, दूसरे में 12, तीसरे में 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 12 और फिर 15। मतलब इस तरह से हमारा एमसी कर्व आ रहा था, ठीक है। अब क्या होता है कि क्या यहाँ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है सेकंड पर? आप जानते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम सेकंड पर नहीं है, क्योंकि MR MC के बेशक यहाँ काटते जरूर हैं, लेकिन यहाँ पर MR MC के बराबर मिलेगा, लेकिन MC is not rising, not rising, MC is not rising, MC rising नहीं हो रही है। क्यों? MC तो ऊपर fall हो रही है, fall हो रही है ना, MC rising होनी चाहिए ऊपर की तरफ, लेकिन ये तो fall हो गई। दूसरी कंडीशन पूरी हुई तो प्रोड्यूसर की बड़ी स्टेज ये नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, MR MC को काटता है, इसीलिए MC MR के MR MC के बराबर है। दूसरा MC is rising, इसके जस्ट बाद MC rising है, देखो इसके जस्ट बाद MC rising है, rising हो रही ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पर producer की equilibrium पूरी होती है, यही हमारा producer equilibrium point है। 10th level of output में producer जो है maximum profit कमा रहा है, ये हमारा diagram है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपके समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वाया फोन आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।